आता टू व्हीलर पे आता हूँ मैं, बोलो अपनी जगह पे। मैं वो नहीं बोल रहा, कम से कम व्हाट्सएप कर देना सेकंड का यार। हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम तनवर नगर इलाके में हैं, जहाँ पे तनवर नगर के कॉर्नर पे एक डेड बॉडी मिली है। इस डेड बॉडी की जानकारी जैसे ही मिली, यहाँ के स्थानीय लोगों ने फौरन मुमरा पुलिस को फ़ोन किया और इस बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। इस बारे में यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एनसीपी के पदाधिकारी है रफीक शेख से बात करते हैं कि इस बारे में उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे तनवर नगर के नाके पे कोई लावारिस बॉडी मिली, क्या बोलेगे इसके बारे में? लावारिस या मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को थोड़ी देर पहले मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि यहाँ पर अल सकीना के दुकान पर जो गर्दी लगी है और कोई इधर पड़ा हुआ है बोल के, तो मैंने मेरे तुरंत लड़के को भेजा। मैं बोला जाकर मामला क्या है, देखकर वो पहुँच कर यहाँ पर बोला कि अब यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है, जिंदा है या मर गया वो तो पता नहीं था। लेकिन फिर मेरे को जैसे ही कॉन्टैक्ट किया, मैंने ताबड़तोब शाहनवाज को कॉल किया, ऐसी ऐसी बातें तुरंत वहाँ पहुँच। एक 5 मिनट के अंदर शाहनवाज यहाँ मैंने टेरिस पे से देखा पहुँच चुका था। जब तक मैं कपड़ा पहन के आता, शाहनवाज इसकी टीम गर्मी वगैरह यहाँ आ गए थे और इन्होंने फ़ौरन पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल लगाया और 10 मिनट के अंदर मुमरा पुलिस स्टेशन से पुलिस और एम्बुलेंस यहाँ तुरंत पहुँच गई। अभी पता चला कि 2-2.5 घंटा करीब करीब उसकी मौत हुई थी। हम लोग को अफसोस इस बात का है कि वक्त पे हमको पता नहीं चला। हम लोग खुश नसीब रहते शायद उसकी कुछ मदद कर सकते। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे अक्सर बैठा करता था वो, यहाँ पे कौन था वो? नहीं, हम लोगों ने उससे पहले कभी उसको देखा नहीं है। हाँ, इससे पहले हम लोग ने कभी उसको देखा नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं। लेकिन शाहनवाज उसकी पूरी टीम यहाँ के मुमरा पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग हैं और एम्बुलेंस वगैरह बहुत बेहतरीन सर्विस थी, लेकिन अफसोस कि हम उसकी मदद नहीं कर सके, बचा नहीं सके, इस बात का अफसोस हमें छा रहेगा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होता हूँ।